ही एक रहस्यमयी दुनिया होती है और इसको मानने वाले इसे और भी रहस्यमयी बना देते हैं। परंतु हमारे समाज की ऐसी विडंबना है कि मानने वाले तो बहुत ज्यादा हैं और जानने वाले बहुत कम, और जानकारी के अभाव में किसी भी बात को मान लेना हमारे जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। परंतु सपनों को मानने वालों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि उनके द्वारा देखे गए स्वप्न हमेशा सच साबित होते हैं, तो कुछ लोगों को हमेशा डरावने स्वप्न मृत आत्माओं का दिखना, अपने को सदैव संकट में देखना आदि दिखता रहता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें स्वप्न में देव दर्शन हुए एवं अभीष्ट मंत्रों की प्राप्ति हुई, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें स्वप्न आते ही नहीं अथवा आने के बाद याद ही नहीं रहते। अब यहाँ यह जानना आवश्यक हो जाता है कि यथार्थ में क्या स्वप्नों का संबंध हमारे भौतिक या आध्यात्मिक जीवन से है। क्या वाकई साधकों को स्वप्नों के माध्यम से साधना संबंधी संकेत समय समय पर मिलते रहते हैं? यदि हाँ, तो पहले यह जानना आवश्यक होगा कि स्वप्न आते क्यों हैं एवं साधक कैसे स्वप्नों में प्राप्त संकेतों से अपनी साधना को सिद्ध कर सकते हैं। आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वैशेषिक दर्शन में स्मृति ज्ञान पर चर्चा करते हुए कहा गया है कि निद्रा के समय में हमारी इंद्रियां विषयों से अलग होकर मन में लिप्त हो जाती हैं। तब मन जो कि सूक्ष्म रूप में इंद्रियों से जिन विषयों का अनुभव करता है उसे स्वप्न कहते हैं। हमारे शास्त्रों में यह सात प्रकार के बताए गए: दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रार्थित, कल्पित, भाविक और दोषज। इनमें से भाविक और दोषज स्वप्न हमेशा सत्य होते हैं। भाविक में साधक साधना काल में जिस भावना से अपने इष्ट का आराधन चिंतन करता है उसके अनुरूप ही उसे स्वप्न में देव दर्शन या मंत्र सिद्धि के लिए संकेत मिलते रहते हैं। इन पर चलते हुए वह साधना के मार्ग पर आगे तक जा सकता है। दोषज स्वप्न त्रिदोष बात पित्त और कफ पर आधारित होते हैं। इनके माध्यम से साधक के शरीर में होने वाले दोषों बीमारियों से बचा जा सकता है। सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने को तेल में भीगा हुआ देखे, भैंसों से घिरा हुआ देखे, दक्षिण दिशा में जाता हुआ देखे एवं भयानक जानवरों में घिरना, कीचड़ में फंसना, ऊपर से नीचे की ओर गिरना, हवा एवं पानी में तैरना, निरंतर सांपों को देखना, टूटा फूटा शिवालय खंडहर एवं टूटी फूटी मूर्तियां दिखना, मृत बालक या विधवा स्त्री का विलाप करते हुए देखना इत्यादि साधक के लिए अशुभ परिणाम लाता है। यदि साधकों को निरंतर ऐसे स्वप्न आते रहते हैं तो उन्हें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्वप्नों के चलते उनकी साधना कभी भी पूरी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में उन्हें गुरु या श्रेष्ठ बगलामुखी साधक का से संपर्क करना चाहिए। इसके विपरीत यदि साधक अपने इष्टदेव का दर्शन ब्राह्मण, गाय, अग्नि, साधु संत, मांस मछली,
हाथी, हल, समुद्र अथवा नदी या गंदे जल में तैरना, श्वेत सर्प का काटना, सूना, रक्त का स्नान पान करना एवं स्वयं का मरण अथवा सिर छेदन देखना, पीले लाल रंगों के पुष्पों को देखना, शत्रुओं पर विजय या राज्याभिषेक देखना, शिव अथवा इष्ट देवी या देवताओं का पूजन करना सर्वदा शुभ फलदायक है एवं साधना में सिद्धि को दर्शाता है। साधना में कुछ साधकों को स्वप्न में मंत्रोपदेश भी हो जाता है। ऐसे मंत्र सिद्ध मंत्र होते हैं जिन्हें पृथक से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि किसी साधक को स्वप्न में माता का वरदान या आशीर्वाद प्राप्त होता है तो वह भी हमेशा सत्य होता है। स्वप्ने मूर्तिमयीं देवीं वरदां सोऽपि पश्यति। साधकों के लिए यहाँ एक आवश्यक जानकारी यह भी है कि साधना करते हुए साधक को भगवती या इष्ट देवी का दर्शन या साक्षात्कार पहली बार स्वप्न में ही होता है। अशुभ स्वप्न देखने पर उनकी शांति भी करना आवश्यक होता है। इसके लिए गजेंद्र मोक्ष एवं विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ बताया गया है, किंतु यदि बार बार दुस्वप्न आते ही रहते हैं तो उसके लिए किसी सुयोग्य साधक से मार्गदर्शन ले लेना चाहिए। साधना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए हम आपसे बाध्य हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। जय माता।